हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस स्पेशल शुभ अवसर पे। हम लोग भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के 64 दिव्य गुण हैं, उसमें से हम लोग अभी तक जो है 21 दिव्य गुणों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से 21वां जो गुण है वो है प्योर गुण, मतलब क्वालिटी। तो 21वां गुण है प्योरिटी यानी शुद्धता। भगवान कृष्ण परम पवित्र है, भगवान परम पवित्र है, शास्त्रों में बताया गया है। अपाप विद्धम यानी भगवान ऐसे हैं जो जो जिनका कोई भी कार्य पाप नहीं देता है। भगवान के द्वारा किया हुआ हर प्रकार का जो कार्य होता है वो पाप से क्या रहता है, पाप रहित रहता है। जैसे भगवान भी चोरी करते हैं और इस संसार में भी लोग चोरी करते हैं, लेकिन जब इस संसार में कोई चोरी करता है तो उसको क्या लगता है, अपराध लगता है और उसको सजा मिलती है। नहीं, भगवान चोरी करते हैं तो भगवान को अपराध लगता है नहीं, भगवान को सजा मिलता है नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जो भी कार्य करते हैं वो कभी पाप या अपराध नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान जब चोरी भी करते हैं तो वह बाहरी रूप से बस चोरी दिखता है लेकिन चोरी होता नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि चोरी तो उसको बोलेंगे ना जो अपना नहीं है, किसी दूसरे का जाके लेके आए सामान बिना परमिशन के, उसको चोरी बोलते हैं। लेकिन भगवान जब माखन चुराने जाते थे तो वो बाहर से दिखने में चोरी लगता है, लेकिन सारी सृष्टि तो किसकी है, भगवान की है ना, इसलिए अपना ही सामान कोई जाके अगर चोरी करता है तो उसको चोरी बोलेंगे क्या? नहीं ना। इसलिए भगवान के द्वारा कभी कोई पाप हो ही नहीं सकता, चाहे वो चोरी करने का लीला हो या अलग अलग प्रकार के असुरों को भगवान ने राक्षसों को वध किया, तो वो लीला वो भी एक लीला है, असुर संहार लीला। और चाहे भगवान ने रास लीला किया था गोपियों के साथ, तो वो भी उसमें भी कोई पाप नहीं है। लेकिन इस संसार का जब कोई व्यक्ति भगवान का नकल उतारता है, चोरी करता है, रास लीला करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है और उसके कारण उसको सजा भुगतना पड़ता है। इसलिए भगवान सबसे प्योर परम पवित्र शुद्ध हमेशा बने रहते हैं। तो ये हम लोग चर्चा किए थे और साथ ही साथ में ये भी हम लोग डिस्कस किए थे दोपहर की क्लास में कि भगवान खुद भी परम पवित्र हैं, परम शुद्ध हैं और भगवान से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी परम पवित्र होते हैं। भगवान का नाम भी परम पवित्र है, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता है ना। जैसे हमारे और हमारे नाम में बहुत अंतर होता है, इस संसार में किसी का नाम हो सकता है क्या, लक्ष्मीपति, लेकिन हो सकता है वो चौराहे में भीख मांगता हो, है ना, हो सकता है ना, किसी का नाम ऐसे हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है हरीश चंद्र लेकिन वो झूठ नंबर एक हो सकता है ना ऐसा। लेकिन भगवान और भगवान के नाम में समानता रहती है। जिस प्रकार से भगवान परम पवित्र हैं, परम शुद्ध हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी उनसे अभिन्न होने का, अभिन्न मतलब अलग नहीं, सेम होने के कारण वो भी बहुत ही शुद्ध होता है। इसलिए जो भक्त लोग भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उस माध्यम से भगवान के संपर्क में आने से वो भी शुद्ध हो जाते हैं, ये परम पवित्र होता है। जो जो भी उनका नाम का आश्रय लेते हैं वो भी परम पवित्र हो जाते हैं। इसके अनेकों अनेकों उदाहरण हैं, वाल्मीकि ऋषि से लेकर के और मृगारी और आज के समय में 50 साल पहले हिप्पीज और आज के समय में हम लोग अपना भी उदाहरण दे सकते हैं। जो भी भक्त लोग भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान के दिव्य नाम का ध्यान पूर्वक जप करते हैं,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से बोलते हैं ध्यान पूर्वक और सुनते हैं तो धीरे धीरे वो भी उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, वो भी पवित्र बन जाते हैं और प्योर हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान का ये एक महान दिव्य गुण है। और ये जो प्योरिटी होता है, शुद्धता, ये वास्तव में व्यक्ति को आकर्षित करता है। जो व्यक्ति जितना शुद्ध होता है वो उतना अन्य लोगों को आकर्षित करता है। हाँ, इसलिए भगवान क्योंकि सबसे ज्यादा शुद्ध है, परम पवित्र है, इसलिए भगवान के संपर्क में जो भी आता है सबको आकर्षित कर लेते हैं। ना केवल मनुष्यों को बल्कि जानवर को भी भगवान आकर्षित कर लेते हैं। भगवान इतने शुद्ध हैं कि अगर भगवान जहाँ जिस जंगल में, जैसे वृंदावन में बहुत सारे जंगल है, वन है, तो जिन वनों में भगवान विचरण करते थे तो वहां पे जहरीले सांप, बिच्छू, शेर, बाघ, ये जितने भी खूंखार जीव जंतु होते थे, तो वो अपने सब अपने अपने स्वभाव को त्याग करके और वो भी शुद्ध बन जाते थे और भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते थे। वृंदावन में जब भगवान जहाँ पे, जैसे गोचरण लीला कर रहे हैं भगवान, आप सब लोग पीछे देख रहे हैं ना, तो ऐसे वृंदावन में भगवान जब गोचरण लीला करते हैं तो वहां पे उनके सखाओं के साथ साथ पशु पक्षी भी होते हैं। यहाँ तक कि जब भगवान खेलते हैं तो शेर और हिरण एक साथ खेलते हैं, शेर हिरण को खाता नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से निकल रहे हैं, झारखंड, हाँ मालूम है ना झारखंड, तो उड़ीसा से वृंदावन जा रहे थे, तो झारखंड के जंगलों से होके जब निकले तो उन जंगलों में श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे थे। उनका उनका एक असिस्टेंट था, सेक्रेटरी, बलभद्र भट्टाचार्य, तो वो जब देखे कि अरे सामने शेर है, शेर जो है रास्ते में सोया हुआ था बढ़िया, तो बलभद्र भट्टाचार्य वो तो डर गए और वो सोचे कि रास्ता बदल लो, दूर दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। महाप्रभु बोले नहीं, क्यों रास्ता बदलना, चलो संकीर्तन करते करते जा रहे हैं और शेर सोया हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पैर के अंगूठे से शेर के सिर में ऐसे रखते हैं, ऐसे स्पर्श कराते हैं और बोलते हैं उठो नालायक, सो रहे हो तुम, अपना मनुष्य जीवन नहीं, मनुष्य जीवन नहीं, शेर का जीवन व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो। जैसे मनुष्य को तो बोलते हैं आप अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो, नाम जप करो। महाप्रभु बोले तुम अपना शेर का जीवन व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो, हाँ लायन फॉर्म ऑफ लाइफ को वेस्ट मत करो। तो शेर उठ गया, बोला, ऐसे देखने लग गया, क्या करूं, तो बोले बोलो यो हरे कृष्णा। तो शेर दोनों हाथ ऊपर उठा करके हरे कृष्णा करके कीर्तन करने लग गया। आप लोग को लग रहा होगा ये फेरी टेल सुना रहे हैं ना, नहीं, ये कहानी नहीं है, ये वास्तविक घटना है। बलभद्र भट्टाचार्य खुद अपनी आंखों से देखे, वो तो छुप गए थे पेड़ के पीछे डर के मारे, लेकिन महाप्रभु, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, जो लोग मतलब ऑनलाइन है फोटो देख रहे हैं, आपको भी घुमा के दिखा दूँ। हाँ, चैतन्य महाप्रभु इन, झारखंड फॉरेस्ट संकीर्तन करते हुए, चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से संकीर्तन कर रहे हैं बड़े अद्भुत तरीके से। देखिए कितना सुंदर, ये फोटो में आप देखें, ये तो फोटो बनाया गया है भक्तों के द्वारा, लेकिन महाप्रभु ये वास्तविक रूप में ऐसा कर रहा है। दिख रहा है क्या? अच्छा नहीं दिख रहा है, शेयर करना पड़ेगा। हाँ अभी दिख रहा होगा सबको, उनको भी दिखाइए, रीत को भी दिखाइए, देखो फोटो दिख रहा है चैतन्य महाप्रभु कैसे संकीर्तन कर रहे हैं। पास में दो बंदर लोग हैं वो भी कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ा स्क्रॉल करिए। हाँ, और देखो बाघ हैं, शेर हैं, वो लोग भी कीर्तन कर रहे हैं, और पीछे देखिए तालाब में बहुत सारे हाथी लोग हैं, है ना, वो लोग भी कीर्तन, उनको भी महाप्रभु, हाथी लोग नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, महाप्रभु पानी लेकर के उनके ऊपर फेंक के बोले बोलो हरे कृष्णा, वो लोग भी दोनों हाथ ऊपर करके कीर्तन कर रहे हैं। और बलभद्र भट्टाचार्य को देख के यहाँ पे बेचारे डर रहे हैं। और ये देखिए बहुत अद्भुत दृश्य है, ये बाघ है और ये कौन है, ये हिरण है। हाँ, वो बाघ जो है हिरण को गले लगा लगा के चुम्मा दे दे करके कीर्तन कर रहा है। हाँ, बोल रहा है हे ओ माय डियर डियर, हे मेरे प्रिय हिरण,
मैंने बहुत तुमको कष्ट पहुंचाया, बहुत तुमको डराया धमकाया, लेकिन अब कोई डरने की बात नहीं है। हम सब वैष्णव हैं, हाँ तुम डियर प्रभु हो और मैं लायन दास हूँ। ऐसा लायन बोल रहा है। बाघ क्या बन गया? वो बोल रहा है मैं दास हूँ और तुम मेरे प्रभु हो, मेरे से डरो मत, तुम भी कीर्तन करो हरे कृष्णा। तो वो भी हरे कृष्ण करने लग गया। हम महाप्रभु सबको कीर्तन करा रहे हैं। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु जंगल से जब निकल रहे थे तो क्योंकि वहां तो रुकने नहीं वाले हैं, अभी उनको वृंदावन जाना है, तो वृंदावन जा रहे हैं तो सारे जंगल के जितने हजारों हजारों पशु पक्षी लोग हैं सब उनके पीछे पीछे आते जा रहे हैं। वो जंगल में रहना नहीं चाह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहना चाह रहे हैं। महाप्रभु फिर बोले नहीं नहीं आप लोग यहीं रहो, यहीं पे रह करके आप लोग कीर्तन करो, आप मेरा संग प्राप्त करोगे हमेशा। इस प्रकार से बड़े अद्भुत तरीके से भगवान जो है सबको कीर्तन कराते हैं। और ये क्या, इसका क्या कारण है? दिस इज बिकॉज ऑफ प्योरिटी, शुद्धता के कारण ये संभव हो पाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसलिए वो अपने शुद्धता के कारण सबको आकर्षित कर लिए और सबको कीर्तन करा रहे हैं। उसी प्रकार से जो भक्त जितने मात्रा में शुद्ध होते हैं वैसे ही जानवर के समान जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी वो लोग कीर्तन करा सकते हैं। जैसे श्री श्रील प्रभुपाद जी ऐसे ही एक महान वैष्णवाचार्य हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हुए, तो प्रभुपाद जी भी कीर्तन कराए किसको, जानवरों को। हाँ श्रील प्रभुपाद कीर्तन टॉमकिंस स्क्वायर पार्क, ये सबसे पहले पहले शुरुआत में प्रभुपाद जी गए थे देखिए अमेरिका में, और कैसे कैसे हिप्पी लोग हैं उन सबको प्रभुपाद जी देखे बैठ के मृदंग बजा रहे कीर्तन कर रहे हैं, और आसपास सारे अमेरिकन हिप्पी लोग बैठ के उनके साथ कीर्तन कर रहे हैं। शुद्धता के कारण प्रभुपाद जी शुद्ध हैं, इसलिए प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करते हुए कि श्री चैतन्य महाप्रभु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, इसलिए वो जानवरों को भी कीर्तन कराए। तो हम लोग भगवान नहीं है कि हम लोग जानवरों को करा सके, बट बाय द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वी हैव टर्न्ड एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग इनटू डिवोटीज, ये पशु तुल्य जो मनुष्य हैं उनको हमने कीर्तन कराया है। ऐसे तो प्रभुपाद जी भी कुछ कम नहीं किए, पशु तुल्य जो व्यक्ति हिप्पीज हुए उनको प्रभुपाद जी कीर्तन कराते हैं। इसके बहुत अच्छा वीडियो भी है, लेकिन ठीक है। तो इस तरह से भगवान की कृपा, ये शुद्धता का प्रभाव होता है, तो भगवान की शुद्धता से जीवात्माएं आकर्षित हो जाते हैं और वो भक्त बन जाते हैं, ये रिजल्ट होता है शुद्धता का। प्रभुपाद जी की और महान वैष्णव के आचार्यों की शुद्धता से, इसलिए प्रभुपाद जी बोले प्योरिटी इज द फोर्स, ये शुद्धता है वो बल है। किसी व्यक्ति को हम अगर परिवर्तन उनके हृदय में लाना चाहते हैं तो जो भक्त जितनी मात्रा में लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं हृदय में, उनको भक्त बनाना चाहते हैं, तो उनको खुद बहुत ही स्ट्रिक्ट डिवोटी बनना चाहिए, अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए, चारों नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए। तब वो जब प्रचार करेंगे लोगों को बताएंगे तो उनके प्रभाव से जितनी मात्रा में जो भक्त जितने शुद्ध होते हैं उतनी ही मात्रा में वो कन्वर्ट कर सकते हैं अन्य लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये वर्णन है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि उत्तम अधिकारी वैष्णव के क्या लक्षण होते हैं। तो उत्तम अधिकारी वैष्णव का लक्षण बताया गया है कि टू द डिग्री अ डिवोटी इज एबल टू कन्वर्ट फॉलन सोल्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड ही इज कंसिडर्ड उत्तम अधिकारी एडवांस डिवोटी। और ये कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा से। भगवान जितनी मात्रा में शुद्ध हैं, भगवान से कनेक्ट होकर के ऐसे भक्त भी शुद्ध हो जाते हैं जो उनका भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, और फिर ऐसे भक्त भी अन्य लोगों को जब प्रचार करते हैं तो वो भी शुद्ध हो जाते हैं। तो ये शुद्धता के बारे में हमने चर्चा की। जैसे अग्नि शुद्ध होती है, अग्नि को शुद्ध माना जाता है, अग्नि के संपर्क में आने से कोई भी वस्तु जो होती है शुद्ध हो जाती है। सूरज में इतना तेज है, उसके सूर्य के तेज के प्रभाव में जो कीचड़ होता है, बारिश के समय में बहुत कीचड़ हो जाता है ना, लेकिन अगर कभी सूर्य निकल जाता है, बहुत तेज धूप होती है, तो क्या हो जाता है, कीचड़ सब साफ हो जाता है, उसमें चल सकते हैं। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में लोग, ये भौतिक संसार क्या है, कीचड़ है,
लोग हम सब उस कीचड़ की गंदगी में पड़े रहते हैं, लेकिन जब सूर्य के समान तेजस्वी कोई भगवान के शुद्ध भक्त प्रकट होते हैं, उनकी शुद्धता के प्रभाव से हमारे जीवन में भी गंदगी क्या होती है, नष्ट हो जाती है और हम भी शुद्ध बन जाते हैं। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी का प्रभाव और भगवान की कृपा से होता है। तो भगवान का भी ये गुण है प्योर शुद्धता, और ऐसे उनके शुद्ध भक्तों का भी यही गुण होता है। अब नेक्स्ट क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल्ड, ये 22 नंबर का दिव्य गुण है। ये सारे जो गुण है कनेक्टेड हैं, जैसे 21 नंबर प्योर है, 20 नंबर में सियर बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर, शास्त्र चक्षु से जो कार्य जीवन यापन करते हैं वो शुद्ध बन जाते हैं, और जो जितनी मात्रा में शुद्ध होते हैं और वो ही इतनी मात्रा में सेल्फ कंट्रोल्ड हो सकते हैं, यानी अपने इंद्रियों का और मन का नियंत्रण कर सकते हैं, जो जितनी जितनी मात्रा में शुद्ध होते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब बताया गया है, अ पर्सन हु कैन कंट्रोल हिज सेंसेस फुली इज कॉल्ड वसी और सेल्फ कंट्रोल्ड, जो अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर ले उसको सेल्फ कंट्रोल बोला जाता है। इंद्रियों को संयमित करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ खाना नहीं है। जीवा को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि आप कुछ खाइए नहीं। आंखों का कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद कर लीजिए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन मन के अंदर भी आंख जीव कान नाक त्वचा है, मालूम है आपको, मन में भी होता है। तो इधर से तो बंद कर दिया, लेकिन मन के अंदर वो देख रहा है, सुन रहा है और स्पर्श कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो वो प्रोसेस में। हाँ, तो कंट्रोल ऑफ द सेंसेस का मतलब होता है कि जो अपनी इंद्रियों को सही जगह इस्तेमाल करना जानता है उसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल्ड। हाँ, और सबसे सही जगह क्या है इंद्रियों को इस्तेमाल करने का, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सबसे अच्छा कार्य किसी भी इंद्रियों के द्वारा करने योग्य क्या है? हाँ, जैसे पांचों जिह्वा का क्या सबसे अच्छा कार्य कर सकते हैं, आंखों से हम क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं, कानों से हम क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो जो बेस्ट वर्क, जो सबसे सही कार्य किया जा सकता है इन आंखों के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा, उसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर वासांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। ये अम्बरीश महाराज के प्रसंग में देखिए भागवत में बताया गया है कि सबसे सर्वोत्तम जो सेल्फ कंट्रोल, हाईली सेल्फ कंट्रोल, सबसे ज्यादा इंद्रिय संयमित व्यक्ति कौन है, वो स्वामी कौन है। तो जब इसका उदाहरण दिया जाता है तो इसमें किसी सन्यासी का या ऋषि मुनि का उदाहरण नहीं दिया गया, किसका उदाहरण दिया गया है? इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट है, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, मतलब कितना भोग ऐश्वर्य सब कुछ होगा ना, पूरा राज सब कुछ है, भोग विलास की सब सुविधा है। तो उनका उदाहरण दिया गया है कि वो परफेक्ट रूप से सेल्फ कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इस श्लोक में वर्णन है, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचाम सि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलसया रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तमा श्लोक जनाश्रयारति। तो ये श्लोक में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, समय हुआ कभी इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि एक एक अंग का इस्तेमाल जो पूर्ण रूप से सेल्फ कंट्रोल्ड होता है वो कैसे करता है। तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि अपने इंद्रियों का इस्तेमाल ही नहीं करना, वो नहीं है सेल्फ कंट्रोल, वो जो है दैट इज अनदर साइड ऑफ अनकंट्रोल्डनेस। हाँ, जिसकी इंद्रियां असंयमित होती हैं, जो कंट्रोल नहीं कर सकता है, और जब वो इंद्रिय भोग में लगता है तो उसके कारण जब दुख मिलता है तो फिर क्या कर देता है, सारे इंद्रियों के कार्यों को बंद कर देता है।
तो वो एक ही चीज है, सिक्के के दो पहलू, हेड एंड टेल, हाँ, उसी को निराकारवाद बोलते हैं। आई नहीं ना, बुलाना चाहिए। उसी को मायावाद बोलते हैं कि जो लोग अपने इंद्रियों को संयमित ना कर पाने के कारण इस संसार में दुख भोगते हैं, तो दुख ले ले करके इतने परेशान हो जाते हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहते हैं। हाँ, तो वो भी क्या है, वो भी अनकंट्रोल्ड है, और उनके भी इंद्रियां संयमित नहीं है, ये छोड़ क्या। लेकिन जो भक्त होते हैं वो पूर्ण रूप से सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, आत्म संयमित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस स्थिति में रहते हैं उस स्थिति में कृष्ण के लिए जो सर्वोत्तम कार्य इंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है कृष्ण के लिए उसको करते हैं। और एक एक इंद्रियों के द्वारा कैसे कार्य करते हैं, अम्बरीश महाराज शिक्षा देते हैं कि अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाते हैं, वाचामसी जिह्वा को, वाणी को कृष्ण का गुणगान करने में लगाते हैं, हाथ को कृष्ण के मंदिर का साफ सफाई करने में लगाते हैं, कर्ण को सिख भगवान कृष्ण अच्युत की सत कथा को सुनने में लगाते हैं, और मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करने में आंखों का इस्तेमाल करते हैं, और त्वचा का इस्तेमाल करते हैं भगवान के भक्तों को आलिंगन करने में, यानी प्रेम का आदान प्रदान करने में, और नाक का इस्तेमाल करते हैं भगवान के चरण कमलों में अर्पित जो तुलसी है और पुष्प है उसको, उसका महाप्रसाद स्मेल करने में, और पैरों का इस्तेमाल करते हैं भगवान हरि के क्षेत्र धाम या मंदिर में जाने के लिए, और सिर का इस्तेमाल करते हैं, लोग सिर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से नीचे कोई नहीं है ना, सिर का इस्तेमाल करते हैं अपना अहंकार बढ़ाने के लिए, भगवान के भक्त सिर का इस्तेमाल करते हैं दंडवत प्रणाम करने के लिए, सिर ही नहीं होगा तो दंडवत प्रणाम कैसे करेंगे, जिह्वा नहीं होगा तो भगवान का गुणगान कैसे करेंगे, प्रसाद कैसे खाएंगे, है ना, और आंख नहीं होगी तो भगवान का दर्शन कैसे करेंगे, कान नहीं होगा तो भगवान के बारे में सुनेंगे कैसे, हाथ नहीं होगा तो भगवान का सेवा कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान के भक्त अपने इंद्रियों को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, या इंद्रियों को आर्टिफिशियली दबा के नहीं रखना चाहते हैं कि आंख के द्वारा हमको कुछ देखना नहीं है, कान के द्वारा सुनना नहीं है, मुंह के द्वारा कुछ बोलना नहीं है, खाना नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं। वो इसका इस्तेमाल करके भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना जानते हैं किस प्रकार से, और कामम, हाँ, लस्ट, एवरी वन इज सफरिंग बिकॉज ऑफ लस्ट, काम का बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो काम को भी नहीं त्यागना चाहते हैं। हाँ, क्या काम करते हैं, काम से क्या काम लेते हैं, कामम च दास्य न तु काम काम्यया, काम के द्वारा, यानी काम मतलब तीव्र इच्छा होती, कुछ करने की तीव्र इच्छा, तो भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं इस काम का इस्तेमाल करते हैं भगवान का सेवा करने के लिए, तीव्रता से ज्यादा सेवा करने के लिए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कामम च दास्य न तु काम काम्यया, अपने इंद्रिय भोग करने के लिए काम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट एक्चुअली दैट इज नोन एज लव, शुद्ध वो प्रेम होता है। एक्चुअली काम और प्रेम अलग अलग वस्तु नहीं है, वो एक ही वस्तु है, एक ही चीज है, एप्लीकेशन के अनुसार उसका नाम बदल जाता है। हाँ, जैसे एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, आप इसको हीटर में डालेंगे तो गर्म देगा और फ्रिज में देंगे तो ठंडा देगा, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी सेम है। उसी प्रकार से जो काम वासना होती है, एक्स्ट्रा काम वासना का मतलब इंटेंस डिजायर टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा या कुछ करने की तीव्र इच्छा, कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे बहुत बड़ा ये बनना है, मुझे बहुत ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें संसार की, उसको काम वासना बोलते हैं। तो भगवान के भक्त के अंदर भी ये होता है प्रचुर मात्रा में, भौतिकवादी व्यक्ति से ज्यादा होता है, उसका क्या इच्छा होता है, मुझे कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। प्रभुपाद जी बोले एक बार, प्रभुपाद जी एक जगह, टाइम हो गया, टाइम ही सबसे बेकार चीज है, एक भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में बहुत अच्छा है, ठीक है बता देते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन दिए और कोई डोनेशन लाके दिया, प्रभुपाद जी एक्सेप्ट कर लिए, तो एक दूसरा व्यक्ति था बोला स्वामी जी हमारे गुरु जी तो हम लक्ष्मी को हाथ भी नहीं लगाते हैं, लक्ष्मी मतलब पैसा, पैसे को हाथ भी नहीं लगाते हैं, अगर कोई पैसे लाके देखता है तो लेता है तो तुरंत बोलते हैं नहीं 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 आंख बंद कर लेते हैं। हाँ, रूपा जी बोले और लाके दो, इतना क्यों दे रहे हो, पूरा विश्व दे दो, क्यों, क्योंकि जो भक्त होते हैं वैष्णव होते हैं पूरी तरह से उनकी विचारधारा स्पष्ट होती है, शुद्ध होती है, वो जानते हैं कि लक्ष्मी किसकी है, लक्ष्मीपति की है, और मैं लक्ष्मीपति और लक्ष्मी दोनों का दास हूँ, तो लक्ष्मी लाने दो, लक्ष्मी को लक्ष्मीपति के पास भेजेंगे, उसके सेवा में लगाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन जो लोग भोग करना, भौतिकवादी लोग भोग करना चाहते हैं और जो भोग करके तकलीफ में आ जाते हैं, तो मायावादी लोग रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो भक्त करना
जो भक्त होता है ना तो भोगी होता है ना तो त्यागी होता है, वो क्या होता है? योगी होता है। योगी मतलब जोड़ता है, भगवान से योग करा देता है, जोड़ देता है। तो इसी के साथ विराम करेंगे। एक आखिरी चीज बता देता हूँ। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर बोला करते थे, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, यहाँ कृष्ण के लिए ही पूरा चेष्टा करना चाहिए, इंडेवर करना चाहिए। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर का कुंडली निकाला गया, ज्योतिष ने कुंडली निकाला, तो उसमें मेंशन, उसमें गणना करके वो निकाला, देखा इनके हृदय में तो बहुत ज्यादा काम है, काम वासना बहुत ज्यादा है, और वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, तो ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे क्योंकि उनके हृदय में इतनी तीव्र इच्छा थी, वो एक क्षण के लिए भी बैठ नहीं सकते थे बिना कृष्ण की सेवा किए। अंतिम स्थिति में लगभग 65 ईयर्स तक उनका उम्र था, तो लाखड़ी में डॉक्टर ने बोला उनको कि आप बिल्कुल अब बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो घंटों घंटों प्रवचन करते थे, और एक एक प्रवचन जब स्टार्ट करते थे ना, तो हमारे पास तो टाइम लिमिट रहता, आधा घंटा 40 मिनट, वहां पे वो तीन तीन चार चार घंटे बोलते थे, और ऐसे दिन में कई बार कथा करते थे। तो बोलते बोलते हेल्थ का डाउन हुआ, डॉक्टर बोले अब आप कुछ भी बोलेंगे आपका जीवन जा सकते हैं। तो शिला भक्ति और बोले कि व्हाट इज द यूज ऑफ लिविंग इफ आई एम अनेबल टू ग्लोरीफाई कृष्ण, कि मेरे जीवन का क्या अर्थ है, मेरे पास ऐसे हजारों जीवन, हजारों वर्ष का भी जीवन मिल जाए लेकिन कृष्ण कथा करने का मौका न मिले, तो वो यूजलेस है। इससे अच्छा है मुझे कुछ पल का जीवन दे दिया जाए, मैं कृष्ण का गुणगान करके शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ये, यानी उनके हृदय में ये तीव्र इच्छा थी, उसी को जो भौतिक रूप से जब ज्योतिष गणना की गई तो उसमें कुछ और निकलता है, बट वो वास्तव में क्या है, वो भी काम ही है। गोपियों को भी भागवत में बताया गया कि गोपियां काम के द्वारा कृष्ण को प्राप्त किए, लेकिन वो काम का मतलब क्या है? लव, शुद्ध प्रेम है, वो एक ही वस्तु है। ठीक है, समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। उनके शिष्य लोग गए कि हमारे गुरु जी कहाँ जाते हैं रात को, टेम्पल हॉल में क्या करने जाते हैं, तो जाके देखे तो बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, टेम्पल हॉल खाली पड़ा है। तो कुछ घंटे बाद जब वो आते हैं तो बोलते हैं गुरु जी आपने किनको प्रवचन दिया, तो बोले आपने देखा नहीं, श्वेत द्वीप से गौर पार्षद लोग आए थे, उनको मैं गौर कथा कर रहा था। हमारे लिए इनकंसीवेबल है, बट ऐसे महान वैष्णव आचार्य ये करते हैं और कथा करते हैं। हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत में भी कई बार भक्तों के स्वप्न में वो कथा करते हैं। प्रभुपाद जी एक बार कथा कर रहे थे लॉस एंजलिस में, अचानक से प्रभुपाद जी बोले कि आसन लगाइए, किसके लिए? नारद मुनि हैज कम टू हियर कृष्ण कथा। कोई भक्त लोग देख नहीं पा रहे हैं, बोले कहाँ है, बोले आप लगाओ तो सही, आसन लगाया गया। नारद मुनि इज कमिंग, वेद व्यास इज कमिंग, आचार्य इज कमिंग, प्रभुपाद कुर्सी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।